हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। करीना कपूर इन दिनों अपने बिजी शेड्यूल के चलते खूब सुर्खियों में हैं। एक तरफ लंदन में फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में टीवी शो डांस इंडिया डांस की शूटिंग के लिए हर हफ्ते आ रही हैं। देर रात करीना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान करीना बेहद ही कूल अंदाज में नजर आई। करीना ने इस दौरान ब्लू जैगर और उस पर पीच कलर की लॉन्ग टी शर्ट कैरी की हुई थी, आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए और जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सोशल मीडिया पर करीना का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में करीना ने एक मैगजीन के लिए ट्रेडिशनल फोटोशूट भी करवाया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में बेबो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि करीना एक बच्चे की मां बनने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री की फैशन दीवा है। लड़कियां उनके ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल की दीवानी है। बेबो भी ऑन स्क्रीन के साथ साथ कैमरे के बाहर भी हमेशा परफेक्ट दिखाई देती है। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो करीना अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी कर चुकी है। इस फिल्म में इरफान खान नजर आने वाले हैं। ये फिल्म साल 2017 में आए हिंदी मीडियम का सीक्वल है। इसके अलावा वो अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी के साथ गुड न्यूज में भी अहम रोल में नजर आएंगी। वहीं करण जौहर की तख्त में भी वो दिखाई देंगी। बीते दिनों ही खबर आई थी कि करीना कपूर की मैनेजर पूनम दमानिया, जो पिछले 10 साल से उनके साथ थी, अब उन्होंने एक्ट्रेस के साथ काम करना छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम करीना के साथ रेशमा शेट्टी की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो इस कंपनी से अलग हो गई थी। यही वजह है कि वो आगे करीना के वर्क कमिटमेंट्स हैंडल नहीं करेंगी। पूनम दमानिया बेबो के सारे काम देखती थी, जैसे करीना के लिए एंडोर्समेंट डील्स, फिल्मों को मैनेज करना, फोटोशूट्स और ग्लैमर फोटोज, और सैफ और तैमूर के साथ फैमिली वेकेशंस की फोटोज, उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और पोस्ट करने जैसे लगभग सभी काम वो देखा करती थी। फिलहाल वो अभी उनके साथ नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी की दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।